वेलकम टू आर जी ब्लॉग। गाइस आज हम करने वाले किचन हैक्स, बहुत सारे बोलते हैं हम लोग बनाने वाले हैं किचन। आज हम लोग कुकिंग ब्लॉग लाए हैं आपके लिए। रुको ना गाइस, मैं आपको दिखा देती हूँ हम लोग क्या क्या लाए हैं। गाइस पहले तो मेरी बात सुनो, ये वीडियो को आप एंड तक देखो, सब्सक्राइब लाइक करोगे और आपको और लास्ट में एक सब्सक्राइब सरप्राइज मिलेगी, है ना। क्या झूठा कही का झूठा कही का, ऐसा झूठ नहीं बोलते। नहीं नहीं गाइस, हाँ ठीक है, आपको एक सब्सक्राइब मिलेगी। जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस हम दिखा देते हैं हम लोग क्या क्या लेके आए हैं आज किचन हैक्स के लिए। किचन हैक्स नहीं बोलते, किचन कुकिंग आज कुकिंग व्लॉग है, तू ऐसा मत बोले किचन हैक्स। सो गाइस फर्स्ट है हमारे पास ये एगलेस ब्रेड, जो बाजू में से उसके साइड में से कॉर्नर नहीं है, तो बहुत अच्छा है गाइस। तो आप घर पर ट्राई कर सकते हो। आप घर में नॉट ट्राई दिस एट होम गाइस। नहीं नहीं प्लीज ट्राई दिस एट होम गाइस। अभी क्या करें, लॉकडाउन में ऐसे ही प्रोडक्टिव चीज़ें करनी है। सो चार चीज क्यूज लाइए कुछ बनाने के लिए, कुछ भी बनाएगी आपको सिर्फ मैं देखना है। एक चीज़ी चीज़ वाला ये बनाएगा, बट आपको अभी देखा पता चलेगा। पेज हम लोग लाए हैं, लास्ट में दिखाएंगे आपको। थ्री मिल्क डेरी मिल्क, हाँ हाँ हाँ, इसको बेचेगी ना तो 40 रुपये मिल जाएगी। फिर लाए हैं बटर, बटर इज इम्पोर्टेंट। चार पैकेट ऑफ ओरियो, दो पैकेट ऑफ नहीं पर ये वो छोटे वाले छोटे तो वाले चार पैकेट हो जाते हैं। आज छोटे वाले होते हैं ना तो आपको चार पैकेट लाने पड़ते हैं, बट बड़े वाले लिए तो वो ही पैकेट है। बट प्राइस मनी तो सेम ही है क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से। सो ये अब हम बनाएंगे कुछ सैंडविचेस, कुछ केक्स और कुछ और सैंडविचेस। और मैं पंछी बन के उड़ रहा हूँ, मैं तो पंछी बन के उड़ रहा हूँ। चलो थोड़ी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो गाइस मिलते हैं ये बोल रहे की बाद में। नहीं 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 चलो थोड़ी गाइस चलो चिकन हैक चालू कर दे। नहीं नहीं किचन के बाल मिलते हैं वो। तो गाइस रुको ठीक है ना, पीछे कढ़ाई दाजी बोलने वाले हॉरर प्रैंक्स। गाइस हॉरर प्रैंक्स बहुत डिमांडेड है। नहीं 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 हॉरर प्रैंक्स से करें। आज हमने बोला है किचन लाए तो किचन लेके आए हैं। तो गाइस हम बता देते सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज पूरी फ्लॉग का ही है। तो अभी हम बना रहे ओरियो बॉल्स और इसी पैकेट से हम लोग बना, इसमें से 5 लेंगे ओरियो पॉल्स के लिए और 5 लेंगे केक के लिए। तो पहले 5 केक के लिए ले लेते हैं, सॉरी 5 ओरियो बॉल्स के लिए लेते हैं। ओरियो बॉल के लिए चाहिए कि आपको दूध चाहिए, इतना इतना से ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही चाहिए ऐसे ही लिया पर हमने लिया है। इतना दूध ले सकते हो भाई, आपको जितने बनाने हैं ना उतने ओरियोस ले सकते हो आप। गाइस देखो और गाइस इसको मिक्सचर में क्रश करना है, क्योंकि अभी मिक्सचर तो हमारे पास अवेलेबल है और ऐसे अवेलेबल नहीं है। गाइस मिक्सचर तो अवेलेबल है बट मॉम ने ना बोला है कि मिक्सचर नहीं टच करने का। नहीं मैं भी एक बार मुझे भी करने दे, मैं भी इस चैनल में हूँ, तू ही कर मेरा है ना, तू नहीं बोल रहा था कि मेरा है कर रहा है। अब ये क्रश करेगा आधा, क्योंकि मैं इसको सिर्फ ऐसे ही कर दूंगा। क्रश कर कर क्रश कर कर दे क्रश है ना, तू क्रश कर दे, तू कर तू कर तू कर सकती है कर भाई। तो गाइस मेरी रेसिपी अब देखोगे ना पागल हो जाओगे। गाइस ध्यान रखना पागल मत हो जाना, ऐसी नहीं हो खाते खाते एकदम पास हो जाओगे ना। तो वैसे उसको और उस रेसिपी का नाम है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो गाइस अपने इसको परफेक्ट भी कर देना है अच्छे से। मैं अपना हैंड गाइस इस वीडियो के स्पॉन्सर्ड है ब्रेड्स ब्रेड ब्रेड नहीं कोई स्पॉन्सर नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो गाइस हमने थोड़ा ही दूध लिया है आटे की तरह,
अब इसको थोड़ा सा एकदम ऐसा नहीं बोलते, थोड़ा सा ऐसे डो डो बन जाए इसका, डो आटा बना दे ना, ऐसा आटा बन जाना चाहिए। हट हट, मैं थोड़ा थोड़ा ही दूध लेना, वरना एक ही बार में ज्यादा दूध चलो जाएगा। कुछ है और एक हम लोगों ने खा ली, दो तो नहीं बनेगा पूरा, दो बन जाएगा। हाँ तो चलो गाइस, पिछले वीडियो नहीं वो वीडियो नहीं आता आपके पास, चलो कुर्सी लेके आ जाते गाइस। तो गाइस इसको अच्छे से क्रश करके मिलती हूँ आपसे। गाइस ये आधा बन गया है। गाइस ये अभी खड़ी थी, अभी यहाँ पे कैसे आ गई, यहाँ के मैं यहाँ अभी अभी खड़ी हो जा, अभी खड़ी हो जा, अभी गाइस आ गए इसलिए खड़ी हो जा। नहीं नहीं अभी तुझे होना पड़ेगा, ये गाइस मैं ले लाया इसके लिए। गाइस मैं एक और ओरियो ले लेती हूँ, अगर आप क्योंकि केक में बहुत कम ओरियो चाहिए होता है। तो गाइस अगर आप इसकी साइड हो तो लाइक करना, मेरी साइड हो तो सब्सक्राइब कर देना, और दोनों की साइड हो तो शेयर कर देना रिलेटिव्स के साथ, जो वो लॉकडाउन में बैठे बैठे अच्छे से केक बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है, हमने अभी देखा यूट्यूब पर। गाइस ये तो मैं खुद ही बना रही हूँ, केक तो मैं खुद ही बनाती हूँ, देखा होगा पर अच्छा। इसको तुझे हाथ से भी हिलाना पड़ेगा, तुझे पता भी है नहीं। गाइस मिलता है 2 hours later, हमारे पास क्लिप नहीं है इसलिए हम बोलते हैं 2 घंटे के बाद, 2 hours later। गाइस 2 घंटे के बाद ये फाइनली नहीं बना है, अभी 4 घंटे लगेंगे इसको बनाने में। नहीं नहीं गाइस हो गया, चलो कुछ घंटे नहीं, कैसे 10 मिनट का काम है, हम लोग तो ऐसे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया था। वाह 2 घंटे के लिए ऐसे ही करना पड़ेगा है। टेस्ट नाइस। गाइस मिलते हैं 4 घंटे के बाद, बैठना यहाँ पे, अब लेना है आपको। गाइस इसको आपको थोड़ा क्रस्टी रखना है। गाइस भाग गया, इसको बुलाते हैं। आना यहाँ पे। सो गाइस इसको मैंने लेना नहीं, गाइस इसको आपको थोड़ा ओके गाइस मैं जा रहा हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। तेरे में भी मैं देख कैसे करती हूँ। गाइस डो नहीं बन रहा है इसका, पता नहीं क्यों, बट आप डो बना के हाँ बन गया। गाइस डो नहीं बनेगा इसका, आपको इसको ऐसे बॉल्स के जैसे फॉर्म करना है। प्रेस करें। फ्रीजर में रखते है। गाइस फ्रीजर ओपन हो गया, अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखना है आपको, 15 से 20 मिनट तक। गाइस 1 घंटे के बाद मिलते हैं। सो गाइस अब हम लोग बनाएंगे केक, तो पहले केक का बेस रेडी कर देते। गाइस अब बनाते हैं केक। सो केक केक के लिए सबसे पहले मैं लूँगी 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है ओवन हीट फ्री ग्लास का बाउल, सम ओरियो जो हमारा बाकी रहे थे वो, सम मोमिक। और आप बोलेंगे थे कहाँ पे, तो उसको गर्मी लग रही थी किचन में, सो वो बाहर बैठा है। दे सर एक बार मुलाकात देखे तो जा। हाय गाइस मैं बाहर हूँ। देखो उसने बोला कि वो बाहर है। सो गाइस आप जो मिल्क लोगे ना, वो मिल्क आपको कौन सा वाला चाहिए,
आप कोई भी मिल्क ले सकते हो, बट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज उसमें मलाई नहीं होनी चाहिए। तो अब चलते हैं हमारे फोर्थ थिंग के लिए। 1, 2, 3, 4 में 15 बिस्किट करते हैं। 5 + 6 = 11 और एक पता नहीं कहाँगा। सो गाइस अब द मेन इम्पोर्टेंट थिंग क्या आज आप कुछ नहीं होगा गाइस, यहीं पे खड़ा है। सो फर्स्ट पेज के अंदर डालेंगे हम लोग दूध। बिस्किट स्टक हो गया इसके अंदर। गाय बन गया यार ऐसा नहीं। गाइस अगर आपको ओरियो की केक बनानी हो तो सेम ऐसा करने का, पर एक स्टिक लेके ओरियो के अंदर डाल के इस पैकेट में घुसेड़ देना और फ्रीजर में रख के पैकेट को ही खा जाने का पूरा। अंदर है खाली है पैकेट। तो गाइस ये हो गया हमारा बेस रेडी। इसको आपको इसके अंदर पानी तो बिल्कुल भी टच मत करना। पता है केक में पानी नहीं होता, बट मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं जब छोटी थी ना तो मैं केक कैसे बनाती था, बिस्किट को क्रश करके उसके ऊपर चाट मसाला डाल के ड्राई फ्रूट्स क्रश कर देती थी और उसके बाद सबको जाके खुला होती थी और मेरी कोई नहीं खाता था, बट मेरी मॉम है जो मेरी केक खा जाती थी पूरी की पूरी, पसंद नहीं होती थी। और उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं खाती थी एक बाइट और उसके बाद मुझे नहीं पसंद आती थी और मैं सारी मॉम को देती थी। तो मॉम तो पूरी खा ही जाती। सो गाइस अब आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से कर दिया मिक्स हम लोगों ने सॉरी, इसको थोड़ा और अच्छे से घुमा के देखना अच्छे से ऐसे तरह से। आप ये है कि ना मक केक का है। सो गाइस ये मक केक है, मैं आपको बता देती हूँ। सो आप इसको बाउल में भी बना सकते हो, मग में भी बना सकते हो। और गाइस अब मैं यूज़ करूँगी थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर क्योंकि हमें इसमें स्वीटनेस ज़्यादा चाहिए, स्वीटनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ ऑल्सो। दे कहाँ पे है तू? गाइस वो यहीं पर बैठा है, जैसी एंट्री मार पाउडर शुगर डालिए थोड़ी। गाइस यहाँ पे इसका टेक्सचर देखो गाइस कलर भी बहुत अच्छा आ रखा है। स्वीटनेस बहुत हमें चाहिए तो ओरियो प्लस थोड़ी सी और इसको ऐसे बहुत। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हो तो जगह रखना वरना पूरा निकल जाएगा, उसको फूल जाएगा। और अब चाहिए आपको चाहिए बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि ये क्या उसको मेरे सामने क्यों बोली, उसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि गाइस बेकिंग पाउडर क्या है, ये ओरियो वाली केक है ना वो पहले से ही फूल जाती है। तो फिर पूरा ऐसे ऐसे कर देना ऐसे ऐसे एक बूंद भी नहीं डाला, ऐसे ऐसे बस डाल दे, बहुत ही कम लेना गाइस। और मिक्स इट गाइस इसको दिखाने का मन हो गया कितना अच्छा बन गया। चलो इसको अच्छे से मिक्स कर देना, एक ही पोजीशन में इसको करना वरना ये पूरा है ना इसके अंदर लम्स आ जाएंगे। वो बंद कर देना। तो गाइस चलो हम चलते हैं ओवन की तरफ। गाइस देख सकते हो 3, 2
हुआ गो, अब पकड़ तुम सारे दस्ताने पहन ले, दस्ताने पहन ले। गई अब देख सकते हो, मैं अंदर नहीं जा सकते इसलिए मैं आपको जूमिंग कर रहा हूँ। अभी केक अनकुकड़ा है, हटो। गई अब देख सकते हो कि ये केक अनकुकड़ा है। तो गाइस मिलते लास्ट 30 seconds है, वेट कर लो, वेट कर लो, इतना क्या जाता है आपको। तब तक किचन देख लो आप, पूरा किचन देख लो आप। प्लीज यहाँ पे पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स बनते हैं, दिखा दे। ये ब्रेड, ये गाइस ये मेरा, ये कुछ पिच। नहीं नहीं गाइस, ये मैं कौन सा कुछ नहीं बना रहा। हाँ हो गए 6 सेकंड ही बाकी। मैं खोल रहा हूँ, मत खोल, तू मत खोल। अब पक गई लगता है। गाइस देख सकते हो आप, और फूल भी गई है, गाइस पक भी गई है और फूल भी गई है, फूल भी गई है। तो गाइस ये तो बहुत अच्छा है। तो गाइस अब इसको कट करके बाद लेते हैं, क्योंकि अभी इसको ऐसे। गाइस एक मिनट रुको, गाइस कुछ दिख नहीं रहा आपको। गाइस सबसे पहले तो एक हथौड़ा लो, और लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन का और शेयर का बटन तो डालो पहले। तो बस थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, क्योंकि ये अब इसको ठंडा होने का रखना है, ठीक है। गाइस मतलब ये इतनी स्पॉन्जी दिख रही है ना इसे, और मधुमक्खियाँ परेशान, सॉरी मक्खियाँ परेशान कर रही है मधुमक्खियों से। इसका पीछे से देखती हूँ मैं, पूरी केक को खो गई गाइस अच्छी से, इतनी गाइस मतलब 1.5 seconds में कुक हो गई, सॉरी 1.5 minute में कुक हो गई। बट अभी गर्म है इसलिए, वाह गाइस खुद ही उखड़ रही है, देखो मैं दिखा रही हूँ यहाँ से खुद ही उखड़ रही है सारी केक। तो गाइस थोड़ी देर के बाद, हमने एक चीज बहुत गलत की। नहीं गाइस आपने, आपको बटर लगा लेना है तो ऐसे जब चाकू मार के निकाल। हाँ बट ये तो निकल जाएगी, चलो तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। नेक्स्ट भी है, आपको चॉकलेट चाहिए इसके लिए। जी 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 हो गया गाइस चॉकलेट। सो गाइस चॉकलेट चाहिए इसके लिए, और आपको इसको एक पॉइंटेड ग्लास चाहिए। सो पॉइंटेड ग्लास आ गया, और ब्रेड भी कट कर दी मैंने, ऊपर चक्रा है जिसको मैं घुमा के कर दूँ। सो गाइस ये हो गया कंप्लीट। अब इसको भी आपको सेकना है, मैंने एक और बना के रखा है। तो गाइस इसको सेकने के बाद मिलता है आपको सारी रेसिपीज एक साथ दिखाते हैं, ठीक है। ये मतलब अपना कर रहा है। सबसे पहले गाइस तू अभी पकड़ना है, मैं तू वो छीलने का निकाल, वो मैं छील देती हूँ, तू सारी सारी हाथ में लग जाएगा। अभी भी बोल रही हूँ तुझे, वो गिर रहा है देखो, भूत आ गया। गाइस सच्ची मैं बता रही हूँ इसको, गाइस डू नॉट ट्राई दिस एट होम, छोटे बच्चों इससे छीलते हैं। हाँ तो मैं छील देती हूँ, बोला तुझे हाथ में लग जाएगा ना, तो अभी लेने के देना पड़ जाएगा। लॉकडाउन है, अभी कोरोना चल रहा है, बाहर जाने भी नहीं होता। पकड़ अब इसको, मैं छील देती हूँ। तो गाइस ये तो मैं छीलूंगी, आप भी प्लीज अपने छोटे भाई को मत छीन देना। डू नॉट ट्राई दिस एट होम मतलब ट्राई करो पर छोटे भाई को मत। पूरा गाइस सबसे पहले तो आप दो ब्रेड के टुकड़े लो, उसके सबसे पहले तो ये है मतलब गाइस ये वाले क्या है पता हो, चीज ले लो सबसे पहले, तो बहुत सारी छीन लो उसके ऊपर, पूरा क्यूब मत डाल देना, मतलब तीसरी चीज होने वाला ये। गाइस इसको आप फ्राई भी कर सकते हो, नॉन फ्राई भी कर सकते हो, गाइस रोस्ट भी कर सकते हो। ये है ये है हमारा कौन सा है, कौन सा दीदा बंद बंद दीदा बंद करो ना, क्या बोलता हूँ। सो गाइस अभी देख लो आप कि यहाँ पे ऐसे आप कर लो, दो पीस ले लो। इस रेसिपी का नाम है चीज ब्रेड। अबे तुझे कैसे पता चल गया भाई, मैंने भी देखी चीज ब्रेड ऐसी। उसके अंदर आपके पास टमाटर और प्याज तो होगा, ये है टमाटर और ये है प्याज, ऐसा आप मान लो भी आ जाएंगे। और सबसे पहले जिसको नहीं पसंद है वो टमाटर के भी साथ खा सकते हो। इसके अंदर टमाटर डालो, प्याज डालो,
और इसको फ्रायर फ्राई कर दो, रोस्ट कर दो, टोस्ट कर दो। दादी आ गई और मैं डर गई। गाइस आपको जो करना है वो कर सकते हो, पर आप इसको कुकर में मत। अब पॉज कर दे, अब गाइस थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। गैस को भी से चीज डाल दो और कुछ नहीं डालना है। गैस जाने दो, गैस को गैस के ऊपर भी सेक कर सकते हो। गाइस रुको रुको, गैस के ऊपर भी सेक सकते हो। ये सॉरी से बाद मिलते हैं, सब अच्छे से पक जाए तब। गाइस हमारी 5 रेसिपीज हो गई रेडी। ये है मेरा चॉकलेट वाला सैंडविच, ये इसका चीज सैंडविच, ये मेरे ओरियो बॉल्स जो अभी ओरियो बॉल्स बिल्कुल नहीं लग रहे बट ओरियो बॉल्स है। ये केक भाई आप देख सकते हो, ये है केक और ये है चॉकलेट सॉस, बहुत ठंडा ठंडा है। ये है चॉकलेट सॉस, चॉकलेट। गाइस सबसे पहले मैं ये चॉकलेट वाला खोलती हूँ। ओह ना चाय माय विदाउट चॉकलेट सॉस। अब लेट मी ट्राई गाइस, जिसको चॉकलेट पसंद है इसके लिए बेस्ट है। अब जे की बात, जे अपना दुखा भाई, अभी मैं चखूंगा अपना। इसके पहले ओपन तो कर, जैसे ओपन होगा ये। गाइस मैं तो अपना खा रही हूँ। गाइस चीज चीज हो रहा है, अब ओपन खा। चलो जल्दी जल्दी, मैं तेरे लिए बचा के रखा, खा जा। गाइस देखो, हाँ मैं भी एक पीस चखूंगी। गाइस सच्ची में अच्छा है, गाइस बहुत अच्छा है। अब चलो ओरियो बॉल्स चखती हूँ मैं अपने। गाइस जल्दी हथौड़ा पकड़ो और सब तोड़ दो, तोड़ दो तोड़ दो, रख भी तोड़ दो, पकड़ो। ये ठीक ठाक है, ये ठीक ठाक है, ये मुझे इतना पसंद नहीं आया। अभी रुक, मैं ओरियो बॉल्स चखता हूँ। नहीं नहीं अभी मैं केक चखती, नहीं अब मैं केक चखूँगा, केक तो मेरी रेसिपी है। तो गाइस थोड़ा सा मैंने केक चखा, पहले इसको देती हूँ। गाइस बहुत स्पंजी है, बहुत स्पंजी है और स्वीट भी है। तो गाइस इस पूरी रेसिपी को पूरा मिलता है थम्स अप, सो सी यू नेक्स्ट टाइम। बुझनो भाई ना भाई, रुको रुको, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, आ रहे तो लाइक कर देना, और लाइक भी नहीं की तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। गाइस रुको, लास्ट टाइम मैं चुपते चुपते जाता हूँ, ओरियो बॉल्स प्लस चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस रह गए, ओम सैंडविच के साथ खाना है चॉकलेट सॉस को। ये चॉकलेट सॉस मैंने बना दी है, चॉकलेट को मेल्ट करके मैं पूरा खा सकता हूँ ये ओरियो बॉल। हाँ खा दे, इतने सारे तो है। सो गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड गाइस, मुझे भी चुपना है। हाँ खा, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।